अज जो सिख दे नितनेम का पाठ है रात को सौन समय सोहिला साहब की बाणी को पढ़ के सौंदा है उहदी संथिया सिंह साहब ज्ञानी जोगिंदर सिंह जी वेदांती जी ते सत्कारयोग ज्ञानी परमिंदर सिंह जी गुरु घर के प्रचारक साहबान सानू करवा रहे ने। आओ बड़े प्यार सत्कार दे नाल आपां संथिया क्लास विच जुड़िए क्योंकि समा सीमित है। ये गुरु साहब ने चाहिया ते अज सोहिला साहब की बाणी की संपूर्ण संथिया हो जाएगी। मनदीप कौर उन्होंने बेनती है कि कृपा करके आप जी अनम्यूट हो जाओ ते सोहिला साहब का पाठ करना शुरू करो। सिंह साहब ज्ञानी जोगिंदर सिंह जी वेदांती जी और ज्ञानी परमिंदर सिंह जी सानू संथिया करवा रहे ने बड़े प्यार सत्कार दे नाल। आओ पहला बची मनदीप कौर दे कोलो आपां पाठ श्रवण करदे हां। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सोहिला राग गौड़ी दीप की महला पहला एक ओंकार सत गुर प्रसाद जय जी। इनू पहला नहीं कहना पप्पे नु लावा लली नु कन्ना इस तरह उच्चारणी पहला नहीं पहला इस तरह उच्चारण करो। राग गौड़ी दीप की महला पहला एक ओंकार सत गुर प्रसाद जय कर कीरत आखी है। सोहिला सोहिला हाँ सोहेला इदा सिरलेख है सोहेला वो कथे सी बीबी जी ने पढ़ा नहीं वो कथे सी है नहीं है। अच्छा भैन जी दोबारा तो फिर शुरुआत तो तुसी पाठ करियो क्योंकि सिंह साहब जी ने शायद नहीं श्रवण किया आरंभ तो फिर आप जी पाठ करना आरंभ करो जी। कीर्तन सोहेला राग गौड़ी दीप की महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जय कर की। एक मिनट भैन जी आप जी ने इदा पाठ कीता कीर्तन सोहिला इसनो आम तौर ते आरती सोहिला भी कह देंदे कीर्तन सोहिला भी कह देंदे पर जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब दे विच इहदा सरलेख आया है वह आप जी नूं ज्ञानी परमिंदर सिंह जी जिहड़े संथिया करवा रहे ने वह विस्तार दे विच समझाउणगे समझण दा यतन करो जी। हाँ जी ये इस बाणी का नाम सोहेला ही है। ये कीर्तन सोहेला कई गुटकिया च छपिया है लेकिन इस बाणी का जरा नाम है वह साडे का ग्रंथ दर्ज है सोहेला जरा आनंदमई मंगलमई जरा गीत है प्रभु का जरा सोहेला। सोहेला राग गौड़ी दीप की महल उन्हें सोहेला नहीं कहना सोहेला सोहेला जी सोहेला राग गौड़ी दीप की आप जी पढ़ रहे हो इस तरह ऐ पाठ असल च इस तरह है सोहेला आप जी सिहारी दी जगह ऐ ला ला रहे सोहेला सोहेला नहीं सोहेला 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 एनु सो कह के तुसी लमकाउणा नहीं है रुकनी वाला सोहेला नहीं सोहेला राग गौड़ी दीप की महला पहला एक ओंकार सत गुर प्रसाद जय ओंकार जिस तरह पढ़े ओंकार दसिया उच्चारण जरा इस तरह होगा ओंकार एक ओंकार एक ओंकार सतगुर प्रसाद जय कर कीरत आखी है सिरजनहारो तुम गावो मेरे निर्भव का सोहेला हम वारी जित सोहेला सदा सुख होए रहाओ नित नित हम वारी इत्थे रुकांगे हम जित सोहेला सदा सुख होए हम वारी जित सोहेला सदा सुख होए रहाओ नित नित जियड़े समालियन देखेगा नित नित जियड़े नित नित जियड़े समालियन समालियन लम्बे अक्षर नु पारा करके
ਸੰਭਾਲੀਅਨ ਦੇਖੇਗਾ ਦੇਵਨਹਾਰ ਤੇਰੇ ਦਾਨੇ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੇ ਤਿਸ ਦਾਤੇ ਕੌਣ ਸੁਮਾਰ ਦੇਖੇਗਾ ਦੇਵਨਹਾਰ ਤੇਰੇ ਦਾਨੇ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੇ ਤਿਸ ਦਾਤੇ ਕਵਣ ਸੁਮਾਰ ਵਿਸਰਾਮ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਤੁਮ ਗਾਲ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਿਰਭਉਤਾ ਸੋਹਿਲਾ ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸਰਾਮ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇਰੇ ਹੇ ਜੀਵ ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਦਾਨ ਕਰ ਇੱਥੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਦਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ ਤੇਰੇ ਤਾਨੇ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇਰੇ ਦਾਨੇ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੇ ਤਿਸ ਦਾਤੇ ਕਵਣ ਸੁਮਾਰ ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਕਰ ਪਾਵ ਹੋ ਤੇਲ ਦੇਹ ਸਜਣ ਅਸੀਂ ਸੜਿਆ ਜਿਉ ਹੋਵੇ ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਕਰ ਪਾਵ ਹੋ ਤੇਲ ਦੇਹ ਸਜਣ ਅਸੀਂ ਸੜਿਆ ਜਿਉ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ ਗਰ ਗਰ ਇਹੋ ਪਾਹੁਚਾ ਸਦੜੇ ਨਿਤ ਪਵਨ ਸਦਣ ਸਦੜੇ ਕਿਹੜਾ ਸਦੜੇ ਸਦੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਹੋਏਗਾ ਬਲ ਸਹਿਜ ਸਦੜੇ ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਪਾਹੁਚਾ ਸਦੜੇ ਨਿਤ ਪਵਨ ਸਦਣ ਹਾਰਾ ਸਿਮਰੀਐ ਨਾਨਕ ਸੇ ਦੇ ਆਵਨ ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਛੇ ਘਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ ਛੇ ਘਰ ਛੇ ਗੁਰ ਛੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਛੇ ਘਰ ਛੇ ਗੁਰ ਛੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਤੇ ਆੜਾ ਮੁਕਤਾ ਛੇ ਛੇ ਘਰ ਛੇ ਗੁਰ ਛੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰ ਗੁਰ ਏਕੋ ਵੇਸ ਅਨੇਕ ਬਾਬਾ ਜੈ ਘਰ ਕਰਤੇ ਕੀਤ ਹੋਏ ਸੋ ਕਰ ਰਾਖ ਬਢਾਈ ਤੋਏ ਰਹਾਓ ਵਿਸਿਆ ਚਸਿਆ ਘੜੀਆ ਪਹਿਰਾ ਵਿਸਵੇ ਚਸਿਆ ਘੜੀਆ ਪਹਿਰਾ ਥਿਥੀ ਵਾਰੀ ਮਹੋਆ ਵਿਸਵੇ ਚਸਿਆ ਘੜੀਆ ਚਸਿਆ ਨੀ ਕਹਿਣਾ ਚਸਿਆ ਵਿਸਵੇ ਚਸਿਆ ਘੜੀਆ ਪਹਿਰਾ ਵਿਸਵੇ ਚਸਿਆ ਵਿਸਵੇ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਦਲਾਵਾ ਨੀ ਈਵੜੀ ਨੂੰ ਲਾਏ ਵਿਸਵੇ ਵਿਸਵੇ ਚਸਿਆ ਘੜੀਆ ਪਹਿਰਾ ਇਹਨੂੰ ਥਿਤੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪੱਪਾ ਹਾਹਾ ਰਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੜਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਪਹਿਰਾ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਸਿਹਾਰੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਹੀ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਪਹਿਰਾ ਅਗਨ ਹਿਵੈ ਕਰ ਬਾਂਧਾ ਪਹਿਰ ਲਵਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਪੱਤਰ ਪਹਿਨ ਲਵਾਂ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਰੂਪ ਹੈ ਪਹਿਨ ਲਵਾਂ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਰਿਆ ਰੂਪ ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਵੱਖਰੇ ਨੇ
अर्थ भी वखरा है, उच्चारण भी वखरा ही होगा। इस करके जरा इन्हू रलगढ़ नहीं कर देना, इनू इस तरह नहीं पढ़ना। आम तौर पर असं इस तरह ही करते हैं, जिथे भी हाहा कित आ हाहे तो पहले अखर के उत्ते दुलाव ला दें, हाहे में सुहारी ला दें। देखो इस तरह यह शब्द है महरम, महरम महल रखो अटका। हूँ यह शब्द है महरम, इनू इस तरह अस पढ़ते हैं। गुरबाणी में शब्द आया थे लेकिन पढ़ते असू एक महरम। इस तरह पढ़ना गलत है, क्यों गलत है? क्योंकि ये साड़ी बोलचाल वाली जी बोली है वह शब्द नहीं है, ये अरबी का शब्द है और हरम तो बनया है। हरम, हरम का अर्थ हूँ जिथे औरतों का निवास हो, जिथे औरत अरबी च हरम किया जाता है। तो महरम का अर्थ की है? जिन्हों हरम जाने की पूरी खुल हो, जड़ा पूरा भेती हो, उस पूरे भेती को अरबी में महरम किया जाता। महरम इतने हिरम कोई शब्द ही नहीं है जिदे अगे ममा लगा हो, मीन लगी हो। इस करके अपनी मर्जी महरम नहीं कर सकते, तो महरम कहेंगे महरम। इस तरह होर भी शब्द ने, हम यह शब्द है ये भी देखो सिरलेख बड़ी बार आता है, इस तरह लिखा जाता है महिला, या कई इस तरह पढ़ते हैं महिला। ये अरबी का शब्द है और धातु है हल। हल का अर्थ है बलूल होना, बलूल होना, उतरना, प्रवेश करना, दाखिल होना, एकमिक होना, ये हल धातु है। ते हल तो बनिया महल, ते हल तो ही बनिया महला, जो सिरलेख में आया उसकी गल है। ते महल का ते महला का अर्थ है हलूर की थां, उतरन की थां, प्रवेश करन की थां, एकमिक होन की थां, ओ थां जिथे गुरु जोत ने प्रवेश किया, उसकी अरबी में संज्ञा है महला। तो ये महल शब्द है, अरबी का शब्द है। देखो इस तरह दोहरी लाम लगती है, असू इस तरह समझ सकते हैं दोहरी लाम। जो अरबी का शब्द है ना, अरबी का अखर है लल्ले की धुनी प्रकट करने वाला, वो लाम कहते हैं। दोहरी लाम लगती है, तीन अखर वाला धातु बन गया। तो इनू पंजाबी जो उच्चारना हो हल में इस तरह कहने, क्योंकि ये अगले अखर की आवाज दोहरी बनाने वास्ते पहले अखर उपर चिन्ह लाया जाता है, बंसा बोला जाता, ताकि अगले अखर की आवाज उतो दुगनी हो जाए। ऐ देखो ये अंग्रेजी लिखते हैं महल, उसे डबल एल लगता है, अरबी से डबल दोहरी लाम लगती है। तो साढ़े को पंजाबी है किसी अखर की आवाज जी दुत करनी हो, दुगनी करनी हो, पहले अखर बंसा पढ़ा जाता हल। तो ये अरबी का जो शब्द है, अरबी की धातु है हल, और अरबी जी धातु है बीडी होंगे तीन अखर स्वरूप होंगे। कोई भी धातु हो अरबी की कतल कतब ये तीन अखर वाला स्वरूप होंगे। इस तो जिन्हें भी गांह शब्द बनते हैं उन्होंने सारे तीन अखर वाला स्वरूप कायम रखता है। जिस तरह कतब है, कतल है, कतल तो मकतल, कतल तो कातिल, कतल तो मकतूल, जरा कतल होने वाला है, कातल जरा कतल करने वाला, मकतल कतल की थां कतल का। तो एक सारे जिन्हें तरकीबा जिन्हें बन गई ने उन्होंने सारा तीन अखर वाला स्वरूप कायम रखता है। इसे तरह कतब तो मकतब, कतब तो किताब, कतब तो कतेब, कतब तो कुतब, कतब तो मकतूबात, तो जिन्हें भी ये शब्द बन गए उन्होंने तीन तीन अखर वाला ये रूप अपना कायम रखता है। इस तरह यह हल जी धातु है, इस तो महल या महला बनया, तीन अखर वाला रूप ये कायम रखता ही रखता है। तो ये जी महला की जी गल की जाती है, सब तो पहला पंडित तारा सिंह जी नरोतम उन्होंने की यदि गल कि उच्चारण महला करना। पंडित तारा सिंह जी नरोतम ने जोड़ा उन्होंने ग्रंथ है गुरु गिरार्थ कोश एक गुरमत निर्णय, उन्होंने दोनों ग्रंथों से उन्होंने लिखा कि यदा उच्चारण ये महला करना। उन्होंने तो प्रभावित होकर डॉक्टर चरण सिंह जी जोड़े सन बाणी ब्योरा पुस्तक से उन्होंने भी यही उच्चारण के अर्थ भी यो लिख दिए इसी। पंडित तारा सिंह जी नरोतम ने यह गल कही कि सखी भाव से, सखी भाव से गुरु साहब ने अपने को महला लिखा है। जे महला स्त्री शब्द होंगे, ये गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर जिथे स्त्री राग आता है अंक इस तरह
ही लिखा है इस तरह अक्षर भी लिखा सानू मिलता है। अगर यह शब्द स्त्रीलिंग होता तो इतने पहला की जगह पहली होता जरा क्रमवाचक संख्यक विशेषण है पहला ये पहली होगा जे ये स्त्रीवाचक शब्द होता लेकिन ये स्त्रीवाचक शब्द नहीं ये पहला ही दस रहा है कि ये शब्द पुलिंग एक वचन है और ये पुलिंग एक वचन शब्द होने करके पहला यह विशेषण आया। प्रोफेसर साहिब सिंह जी उन्होंने पंडित तारा सिंह नरोत्तम ने लिखा फिर जरा डॉक्टर चरण सिंह जी ने लिखा गाणी गुराज प्रोफेसर साहब सिंह जी ने भी लिखा उन्होंने गुरबाणी व्याकरण पुस्तक में भी श्री गुरु ग्रंथ साहब दर्पण की पहली पोथी में भी जरा उच्चारण उन्होंने कहा कि इस तरह पहला महिला उन्होंने लिख के दर्शाया नाल बाणी दी पंक्तियां भी दित्तियां ने उन्होंने यदा उच्चारण महिला पहला नाल ओ ये भी गल कहते हैं वो एक इतराज जरा जताते हैं कि जेडे यदा उच्चारण महला करते हैं या महल करते हैं कई थावां ते सुलेख च महल भी आता है वह कहें अज तक यदा कोई ढुकमा अर्थ ही नहीं दस सके क्योंकि वह लिखते उन्होंने लिखत है वह कहें कि महल का अर्थ हों एक बहुत वड्डा सारा मकान तो महला का अर्थ हों जिथे बहुत सारे मकान इकट्ठे बने हुए इस करके वह प्रोफेसर साहब सिंह जी कहते हैं ये अर्थ वो दस ही नहीं सके जो महला उच्चारण करते लेकिन कोई भी जिहड़े गंती सिंह पाती सिंह दा पाठ करते हैं महला वो कोई भी वड्डे सारे मकान वाला अर्थ सामने रख के नहीं करता या महला जरा जिथे बहुत सारे मकान बने होंगे वह अर्थ को सामने रख के नहीं करता किसी भी शब्द का हर थां उत्ते इक्को अर्थ कदे भी नहीं होता अर्थ हमेशा प्रसंगिक होंदा है जिस प्रसंग में शब्द वरत्या होवे उहदा उही अर्थ लिया जाता सियाणप भी इहो ही होंदी है। तो ये जिहड़ा शब्द है प्रोफेसर साहब सिंह जी ने इन कहा कि ये इन महिला और ये उन्होंने अर्थ किए ने स्त्री महिला अर्थ किए ने स्त्री संस्कृत जिहड़ा शब्द आता है ये इस रूप में सानू शब्द जोड़ मिलते हैं स्टैलिंग मिलते हैं महिला ये उत्थे दा अर्थ है स्त्री काया देही ते व्यक्ति व्यक्ति का अर्थ है हस्ती ये सारे के सारे अर्थ ने स्त्री लिंग वाले ने पर प्रोफेसर साहब सिंह जी ने इहदा अर्थ देही की जगह शरीर किया है कि ये शरीर वास्ते शब्द वरत्या गया है नाल उन्होंने कई उदाहरण इस तरह के दित्तियां ने कि जिस तरह रहत बहरे बहले या सहजे यह जो शब्द लिखे ना इस तरह के इन्हों के विचकार हाहा आता है ये शब्द दे के दसिया कि जिस तरह इन्हों उच्चार करते हैं जिदा इन्हों उच्चारण चाहिए उस तरह ही यह जो सुरलेख वाला इन भी उच्चार महला करना यह शब्दों ददाहरण उन्होंने दिखाई ने नाल उन्होंने एक दो तुकां उन्होंने कहने सदे भतीजै अंत भीजै सो महल महला अंतरे के वो जरा उन्होंने महला शब्द किया है ना महला वो बिंदी साहित्य का उच्चारण है ते अर्थ भी उन्होंने दर्पण पोथी दे विच गुरु ग्रंथ साहिब दर्पण के विच उन्होंने शरीर अर्थ किया है बहुवचन फिर महला अंदर गैर महल पाए सारे शरीर अंदर उस गैर महल ला मकान परमात्मा ने अपना टिकाणा अपना वासा किया है महला अंदर उत्थे भी जरा है शरीर अंदर अर्थ किया उन्होंने अपनी दर्पण के उच्चारण भी इस तरह महला हुण गल एक वचन पुलिंग शब्द ही हो रही है जरा सिरलेख में आ रहा है लेकिन उदाहरण बहुवचन वाले उस शब्द ही है जिहदा उच्चारण ही बिंदी साहित है और जिहदा अर्थ भी जो आएगा शरीर है वह भी बिंदी साहित है तो बहुवचन वाले शब्दों दी उदाहरण जिन्हों का उच्चारण ही कुछ होर है तो सिरलेख वाला उहदे नाल कोई संबंध नहीं है ना उहदा उच्चारण बिंदी साहित करते हैं ना उहदा उच्चारण अर्थ शरीर वाला है तो इस तरह उन्होंने उदाहरण दित्तियां ने प्रोफेसर साहब सिंह जी ने सरदार शमशेर सिंह जी अशोक जिहड़े रिसर्च स्कॉलर रहे ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के उन्होंने ये गल लिखी है वो कहते हैं संस्कृत के जिहड़े कोश ने संस्कृत के कोशां दे विच सारे थावां ते जिहड़ा शब्द है साहिब सिहारी साहब इस तरह आता है महिला संस्कृत के कोशां विच किसी एक थां नूं इह सिहारी तों बिना नहीं आता पर श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर यह शब्द
हर थां सिहारी तो बिना आउंदा है, एक थां भी सिहारी दे नाल नहीं आउंदा। इहदे शब्द जोड़ वखरे ने, इहदा अर्थ भी उहदे नालों वखरा है, ते इस करके जिहड़ा है इहनूं आपां उहदे नाल नहीं मिला सकते। एक होर टीकाकार जी होए ने ज्ञानी हरबंस सिंह जी निर्णय, उन्होंने उन्होंने नाम के नाल निर्णय लगता है, श्री गुरु ग्रंथ साहब निर्णय स्टीक। वैसे किसी नूं भी ये अधिकार नहीं निर्णय दे सके कि गुरु ग्रंथ साहब जी का आ अर्थ जो मैं किया है ये बिल्कुल अंतम अर्थ है। तो ये उन्होंने अपना टीका लिखा है, उन्होंने यही गल लिखी है, वो कहते हैं हल तो हलूल की घाट से घड़ी जा सकती है, वो कहें पर हल तो महला की घाट घड़नी निर्मूल है। उन्होंने लिखा है महला जो सिरलेख आया है ना, वो विचार की है उदो उन्होंने किया है। पर गल इतने हल तो हलूर का अर्थ घड़न की, हल हल तो हलूर का रूप घड़न की गल नहीं है, हल का तो अर्थ ही बिल्कुल स्पष्ट है हलूर होना, हल तो हलूर घड़े जाने की तो गल ही कोई नहीं। हल का अर्थ है हलूर होना, उतरना, प्रवेश करना, एक मिनट होना, दाखिल होना। हल तो महला जरा है, हल तो महला ते महल ए शब्द बने। देखो ये अरबी जानन वाले जिहड़े ने वीर उन्हां नूं पता है, ये सधारण पत्र की जिहड़ी जानकारी है बहुत ही ज्यादा डूंघी जानकारी नहीं, सधारण जे पत्र की जानकारी है। उन्हां दी संगत च जे बैठा जाए तो वह दस देंगे, डॉक्टर प्यार सिंह जी लिखते हैं सारे कि वह दसेंगे कि अरबी के किसी धातु के अगे जे नीम ला दईए, अरबी के किसी धातु के अगे जे नीम ला दईए कि वह शब्द स्थान सूचक बन जाता है। नीम असीं लल्ला अखर कहने, लल्ले अखर की धुनी प्रगट करने वाला उन्होंने कोल है मीम है, असीं इहनूं मकतल कहीए, जे कतल धातु है तो अगे मीम लग गई, मकतल ये शब्द स्थान सूचक बन गया, स्थान की सूचना देने वाला कि कहड़ा स्थान है, यह है कतल की थां, कतलगाह जिथे कतल किया जाता। इस तरह कतल, कतल तो मकतब, मकतब तो अर्थ है किताबा की थां, किताबा लिखे जाने की थां, किताबा पढ़ाए जाने की थां, भाव पाठशाला। इस तरह असीं देखते हैं मस्जिद सजदा करन दी थां, जिथे सजदा किया जाता है। तो इस तरह हल है धातु है, हल, हल तो बनिया महल, हल तो बनिया महला, दोवां दा अर्थ है हलूल दी थां, एक में खोण की थां, उतरन की थां, प्रवेश करन की थां, वो थां जिथे गुरु जोत एक में हुई, जिथे गुरु जोत ने प्रवेश किया। अरबी विच उहदी संज्ञा है महला, इहदा अर्थ शरीर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये अर्थ करिए ना कि वह शरीर जिथे बाणी उतरी, शरीर बाणी उतरन की थां जे आ कर लीए तो ये नहीं। तो जे ये अर्थ करांगे तो फिर ये तो भगत साहबान, भगत साहबान या गुरु घर के निकटवर्ती गुरसिख जिन्हों की बाणी गुरु ग्रंथ साहब है उन्होंने वास्ते भी यह शब्द वर्त्या जा सकता, पर नहीं, ये शब्द केवल गुरु साहब जी लई राखवां शब्द है, किसी होर लई ये वर्त्या नहीं जा सकता। तो ये महल ते महला जिहड़ा है इहदी जिहड़ी गल है, ये जिहड़ी है ना सादृष्टा सिधांत, एक समदृष्टि वाला सिधांत, भई यह जिस तरह आ शब्द नजर आ रहे हैं ना, जिस तरह उन्होंने लिखा प्रोफेसर साहब सिंह जी ने, रहत सहजे बहले बहरे, जिस तरह ये शब्द नजर आ रहे हैं, यह सिरलेख वाला शब्द भी उन्हें वगू नजर आ रहा है, इन्हू भी उदा ही पढ़ लो। उन्होंने यह एक तुक लिखी है, गहला गहला रू न जाणई सिर पी मिट्टी खाए, सिर पी मिट्टी खाए, यह तुक लिख के उन्होंने दसा जिस तरह गहला पढ़ना है ना उस तरह ही महला पढ़ो, पर इन्हों गहला असं को सिहारी ला के नहीं पढ़ते, गुरु ग्रंथ साहब सिहारी लगी हुई है, गहला गहली गहलड़ो जिथे भी आवगे, सहला जिथे आवगे, महिमा ये सिहारी साहब जिथे पढ़ने ने उसे सिहारियां लगिया हुई ने, एक थां नहीं। यह देखो यह शब्द है बब्बा हाहा लन्ना, ते यह दो शब्द को रोके ने सुचे ना आखी ने बहने च पिंडा धोए, जेडे पिंडा धो के सुचा होके बहते किरिया है बहन, जिथे सिहारी ना पढ़ना है सिहारी लगी है, वीर चले घर अपने बहन बिरहे जल जाए, भैन जी है विछोड़े में सर के मर जाती, सर जाती बहन। बहुत सारे शब्दों दी होर भी उदाहरण दिखाई जा सकती ने, जिथे हाहा मुक्ता है मुक्ति रूप, जिथे सिहारी साहब पढ़ना है उथे सिहारी लगाई हुई है, वो उदा अर्थ वखरा है, उदा रूप वखरा है, उदा उच्चारण नहीं उहदे नालों वखरा आएगा। ये जिहड़ा समदृष्टि वाला सिद्धांत है ना, जिस तरह के ए शब्द नजर आ रहे हैं, बाकी
ਇਹ ਮਹੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਓਦਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ ਪੜ੍ਹੀਦਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਚਾਬੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਬੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ, ਇਹ ਚਾਬੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿੰਦਰਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੀ ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਚਾਬੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਿੰਦਰਾ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਜਿੰਦਰਾ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦਰਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਬਾਕੀ ਉਸ ਜਿੰਦਰੇ ਵਰਗੀ ਨੁਹਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਦਰੇ ਉਸ ਚਾਬੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਿੰਦਰੇ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖਤ ਹੈ ਬੜੀ ਜਟਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਪ ਛੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ, ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਕੜੀ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਪ ਛੜੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪੱਤ ਦਾ, ਸਕਤੀ ਵਿਉਂਪਤੀ ਸ਼ਬਦੀ ਧਾਤੂ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਕੇ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬੱਬਾ ਦੱਤਾ ਸੱਸਾ ਗੱਲੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਕੱਕਾ, ਬਦ ਸਲੂਕ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨੂੰ ਬਦ ਸਲੂਕ, ਇਹਨੂੰ ਬਦ ਸਤੂਰ ਪੜ੍ਹ ਦੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮਝ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨੂੰ ਬਦ ਸਤੂਰ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਦਸਤੂਰ, ਦਸਤੂਰ ਸਹਿਤ, ਮਰਿਆਦਾ ਸਹਿਤ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਬਾ ਦੱਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਪਦ ਨੀਕ, ਪਦ ਨੀਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਬੱਬਾ ਦੱਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬਦ ਨੀਕ, ਇਹਨੂੰ ਪੜੋ ਬਦ ਲੀਨ, ਬਦ ਲੀਨ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈਗਾ ਬਦਲੀਲ, ਦਲੀਲ ਸਹਿਤ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਬਾ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਕੱਕਾ ਲਾਰਾ, ਬਹੁਤ ਆ ਝਾੜੂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤਰ ਵਾਂਗ ਬਹੁਕਮ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਬਹੁਕਮ, ਹੁਕਮ ਸਹਿਤ, ਆਗਿਆ ਸਹਿਤ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਹਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਇਹ ਸਾਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਮਹੱਲਾ, ਤੇ ਮਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਚਾਰਨ ਮਹੱਲਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਮਹੱਲ ਤੇ ਮਹੱਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਤੂ ਹੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਰਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਧਾਤੂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਉਚਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਤਿੰਨ ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਧਾਤੂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਸ਼ਬਦ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਧਾਤੂ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਮਹੱਲਾ ਜਾਂ ਮਹੱਲ ਜਦੋਂ ਸਿਰਲੇਖ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਵਿਸਵੇ ਕੱਸਿਆ ਘੜੀਆਂ ਪਹਿਰਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪਹਿਰਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਬਿੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜਾਂਗੇ, ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਏਗਾ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਆਏਗਾ, ਪਹਿਰਾ ਪਹਿਰ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਪਹਿਰਾ ਅਗਨ ਹਿਰੈ ਕਰ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਪਹਿਰਾ, ਵਿਸਵੇ ਕੱਸਿਆ ਘੜੀਆਂ ਪਹਿਰਾਂ, ਬਿੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜਾਂਗੇ, ਜਿੱਤੀ ਵਿਸਵੇ ਚੱਸਿਆ ਕੱਸਿਆ ਸਾਰਾ, ਵਿਸਵੇ ਕੱਸਿਆ ਘੜੀਆਂ ਪਹਿਰਾਂ, ਬਿੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜਾਂਗੇ, ਚਿੱਤੀ ਵਾਰੀ ਮਾਹ ਹੋਆ, ਚਿੱਤੀ ਚਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪੜਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਪਾਠ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਵਿਸਿਆ ਚੱਸਿਆ ਘੜੀਆਂ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜੋ, ਇਹ ਐੜੇ ਐੜੇ ਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ, ਵਿਸਵੇ ਨੀ ਵਿਸਵੇ, ਵਿਸਵੇ ਚੱਸਿਆ ਘੜੀਆਂ ਪਹਿਰਾ, ਥਿੱਤੀ ਵਾਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਥਿੱਤੀ, ਇਹ ਪਿੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਥਿੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰੀ, ਥਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਹੀਨਾ ਫਿਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਥਿੱਤੀ ਵਾਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਾ, ਮਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਹਾਂ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮਾਹ ਮਾਹ ਹੋਆ, ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਥਿੱਤੀ ਵਾਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਾ,
सूझ एको रुत अनेक नाने करते के केते वेस। देखो ध्यान दो आखिर में पढ़िया नानक करते तक्ष दिया गया नानक करते के केते वेस नानक पढ़ के करता होता पढ़ के फिर अगला पढ़ना शब्द करते ताली नाल नहीं पढ़ना लिखेड़ के पढ़ना दो कत्ती आए ने इस तरह नहीं पढ़ना तनु अलग अलग लिखेड़ के पढ़ागे नानक ऐसा संबोधन है फिर रुकागे नानक करते कथा नहीं नानक करते के केते वेस हाँ धन्यवाद जी आप जी का अगे डॉक्टर बलमीत कौर जी आप जी नु बेनती है कृपा करके आप जी अगला शब्द पढ़ने की कृपालता करो जी। राग तनासरी महला पहला गगन में हाल रव महला पहला जी महल पहला राग तनासरी महला पहला आप जी पढ़ रहे हो ऐसा पढ़ रहे हो महला पहला एक गलत है महला नहीं महला महला हाँ जी बिल्कुल जी राग तनासरी महला पहला गगन में थाल रव चंद दीपक बने हाँ ये जरा शब्द है ना गगन में एक कथा शब्द है गगन में गगन मई गगन में थाल चंद्रमा दो दीवे जिहड़े सानू नजर आ रहे हैं गगन में थाल इत्थे रुकांगे नाम नहीं पढ़ना गगन में थाल रव इत्थे विश्राम देना थाल इत्थे विश्राम देना रव चंद दीपक बने गगन में थाल रव चंद दीपक बने तार का मंडल जनक मोती धूप मल आन लो पवन चबरो करे सगल बन राय फूलंत ज्योति एक मिनट रुको एक करे अपनी विश्राम दियो इस सुखदा धूप मल आन लो पवन चबरो करे करे विश्राम जी धूप मल आन लो पवन चबरो करे सगल बन कलोड़ा नहीं लगाया आप भी कलोड़ा पढ़ रही हो ये गलत है थोड़ा है जी मल आन लो अच्छा तूप मल आन लो पवन चवरो करे सगल बन राय फूलंत ज्योति कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत पेरी रहाओ सहस तव नैन नन नैन है सहस तव नैन नन नैन है तोहे कहो एनु एक मिनट रुको एनु चलो देखो विश्राम किथे लावांगे सहस तव नैन इथे रुको थोड़ा जा नन नैन है तोहे कहो जी सहस तव नैन नन नैन है तोहे तोहे को सहस मूरत एनु एनु जरा ना शब्द सहस तव नैन नन नैन है तोहे को सहस नन नैन रहे तोहे को सहस तव नैन नन नैन है तोहे तोहे को हाँ नहीं कहना हाँ मुक्ता नहीं है हाँ है नन नैन है तोहे को सहस मूरत नन्ना एक तो ही जी सहस पद बिमल नन शब्द है ना घोड़ा भी है तत्ते नु औंकड़ भी है दो इकट्ठिया लगिया ने लेकिन तो ही केवल एक ना करना है तो ही उच्चारण करना है
तोहे को सहस मूरत नना एक तोही सहस मूरत नना एक तोही सहस सहस मूरत का अर्थ है वाहेगुरु जी तुहाडियां हजारा ही मूर्त ने तुहाडे हजारा रूप ने पर निर्गुण रूप विच तुहाडी एक भी मूर्त नहीं है नना एक तोही जी सहस मूरत नना एक तो ही आप जी फिर उस तरह पढ़ दियो ध्यान नहीं बिल्कुल दे रहे हैं ध्यान दियो तो कि ऐ मूर्त उत्ते रुकना है सहस मूर्त नना एक तो ही नना दा था नहीं एक भी तुहाडी मूर्त नहीं है निर्गुण स्वरूप च सरगुण स्वरूप जिहड़ा अंदर आ रहा है जिहड़ा सारा पसारा इहदे विच तुहाडियां हजारां ही मूर्तां ने सहस मूर्त नना एक तो ही नना नूं सज्जे पासे लाउणा हरेक शब्द विच हां जी नना नूं जदों पढ़ना है ना नना ए सहस मूरत नना एक तो ही सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन सहस पद बिमल नन एक पद अच्छा सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन पद ते थोड़ा जा विश्राम दियो ननन वगे लाओ अच्छा सहस पद बिमल नन एक पद सहस पद बिमल नन एक पद एथे रुको अच्छा सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन सहस तव गंध इव चलत मोही सहस तव गंध इव चलत मोही चलत मोही सैभ मैं जोत जोत है सोए इनू मैं नहीं सब महे मम्मा हिंसारी है महे सब महे सब महे जोत जोत है सोए हां जी इस दै चाहंदे हां कि सारे नु मौका मिल जावे जसदीप कौर जी आप जी करो कृपा जी अगे पाठ सब महे जोत जोत है सोए तिस दै चानण सब महे चानण होए गुरसाखी जोत प्रगट होए जोत गुरसाखी जोत कठा नहीं कहना गुरसाखी जोत प्रगट होए गुरसाखी जोत प्रगट होए ज्योतिष पावे सो आरती होए हर चरण कमल मकरंद लो बिथ मेखर नाल नहीं कमल नहीं कवल हर चरण कवल बबेना हर चरण कमल हर चरण कमल मकरंद लो बित मनो अंदिनो मोहे आही प्यासा कृपा शब्द आया अनुदिनो अंदिनो ए जरा लिखा है बहुत सारे इस तरह की गुरबाणी शब्द आएंगे जिथे एक अक्षर नु होड़ा भी लगा आएगा ते औकड़ भी लगा आएगा हुण इथे जरा है होड़ा जरा उच्चारण करना है इथे होड़ा उच्चारण करना है जरा असि कहने ना इथे होड़ा उच्चारण करना दा मतलब है जिथे होड़ा नहीं लगा उथे औकड़ उच्चारण करना है नहीं ते एक गल कहने दी लोड़ ही नहीं कि इथे होड़ा उच्चारण करना होड़ा उच्चारण जे ना होड़ा लगा फिर औकड़ ही उच्चारण होएगा मोहे आही प्यासा मोहे कृपा एक मिनट ध्यान दियो मोहे कहन नाल ऐ तुहाडा जदों उच्चारण करदे हो मोहे ऐ बिल्कुल गलत है ऐ हाही नूं लाल लग रही है ये शब्द है मोहे ये हाही दी सिहारी पढ़नी है हाहे की सिहारी ला विच ना बदले ओदा इको ही ढंग है हाहे तो पहला जो अखर जी लग लगी है
ਨਮਕਾ ਦੀਏ ਇਹਨੂੰ ਬੁੜਾ ਅਲੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉੜੇ ਨੂੰ ਨਮਕਾ ਦੀਏ ਮੋਹ ਮੋਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਮਕਾਵਾਂਗੇ ਮੋਹ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹ ਲਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ ਹਾਂਜੀ ਅੰਦਿਨੋ ਮੋਹ ਆਹੀ ਪਿਆਸਾ ਮੁਕਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਹੀ ਦਾ ਸਿਆਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੋਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੈਨੂੰ अंदिनो मोहे आही प्यासा कृपा जल ते है नानक सारे को कृपा जल दे है नानक कृपा कृपा जल दे है नानक सारेंग को कृपा जल दे है नानक सारेंग को होए जाते तेरे नाए बासा रागो बड़ी अच्छा नहीं कहना ਉਹ ਜਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਵਾਸਾ ਜਸਵੀਰ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਆ ਗਾੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਚਾਥਾ ਕਾਮ ਕਰੋ ਕਿਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਆ ਕੀਨਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਅੱਖਰ ਇਕੱਠੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਰਾਗ ਕੌੜੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਗੱਗੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੱਗਾ ਆਇਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਗੱਗਾ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਾਹਲੀ ਕੀਤੀ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਦੀ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਿਖੇੜਿਆ ਕਾਹਲੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਖਰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਖਾਣਾ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਇਹ ਛੱਡਣੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਰਾਗ ਗਾੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਚਾਥਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਬਹੁ ਪਰਿਆ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾ ਹੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੜਿਆ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਸਾਧੂ ਨੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕੋਲੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਅੱਖਰ ਧੱਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਧੱਕਾ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ ਸਾਧੂ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾ ਹੇ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾ ਹੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਲਿਖੇ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਮਨ ਹਰ ਲਿਵ ਮੰਡਲ ਮੰਡਾ ਹੇ ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਪੁਨ ਵੱਡਾ ਹੇ ਕਰ ਡੰਡਾਤ ਪੁਨ ਵੱਡਾ ਹੇ ਰਹਾਓ ਸਾਕਤ ਹਰ ਰਸ ਸਾਧਨਾ ਜਾਣਿਆ ਤਿਨ ਅੰਤਰ ਨਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜਿਆ ਜਾਣਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸੂਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਨਾਣੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਿਆ ਸਾਕਤ ਹਰ ਰਸ ਸਾਧਣਾ ਜਾਣਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਠੀਕ ਪੜਿਆ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਤਾ ਹਰ ਰਸ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਹਰ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਰ ਰਸ ਇਹ ਰਾਜ ਦੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਨੇ ਹਰ ਰਸ ਸਵਾਦ ਹਰੀ ਰਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਮਾਈਕ ਖੋਲ ਕੇ ਮਾਈਕ ਖੋਲੋ ਅਨਮਿਊਟ ਅਨਮਿਊਟ ਹੋ ਭੈਣ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਮਿਊਟ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਡੰਡਿਓਤ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ ਰਹਾਓ ਇਹਨੂੰ ਡੰਡਿਓਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਡੰਡਾਓਤ ਇਹ ਤੁਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅੱਗੇ ਪੜੋ ਪੁਨ ਵੱਡਾ ਹੇ ਰਹਾਓ ਸਾਕਤ ਹਰ ਰਸ ਸਾਧਨ ਜਾਣਿਆ ਤਿੰਨ ਅੰਤਰ ਹੋਮੇ ਕੰਡਾ ਹੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਮੇ ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਲਾਣ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਮੇ ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਤਿੰਨ ਅੰਤਰ ਹੋਮੇ ਕੰਡਾ ਹੇ ਹੋਮੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਚੱਲ ਹੈ ਚੁਬੇ ਦੁੱਖ ਪਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ
लाग नू उच्चारण नहीं किया जा सकता, लावा की थान दुलावा नहीं, चिहारी की थान ला नहीं उच्चार हो सकती। यह चल है ज्यो ज्यो चल है एनु उच्चारण करेंगे इस तरह चल है इस तरह ए बिंदी सह जिवे जिवे वह साकित पुरश शक्ति के माया के पुजारी जो चलते ने जीवन में विचरते ने चुप है इतने दो लावा ने आप ही ने पढ़ी है चुप है वह होमे का कंडा उन्होंने चुभता है होमे सताऊंगी है उन्होंने ज्यो ज्यो चल है चुप है दुख पाव है ये पाव है यह भी इस तरह उच्चारण होगा उच्चारण पाते हैं पाव है जमकाल सह है सिर डंडा है सह है सह है इस तरह उच्चारण करेंगे सह है सिर डंडा है सहते हैं जमकाल वाला डंडा। जसलीन कौर जी पढ़ो अगे पढ़ो हर जन हर हर नाम समान है दुख जन्म मरण बब नाणे नु दुलावा नहीं है एक ला लगी है हर जन हर हर नाम समाने हर जन हर हर नाम समाने दुख जन्म मरण पव खंडा है अबनासी पुरख पाया परमेश्वर सोग खंड ध्यान दियो बोर्ड नजर आ रहा है तुम ए देखो पहला सारे नजर आ रहा है बोर्ड कि नहीं आ रहा। हां जी बोर्ड नजर आंदा है आ रहे हैं जी। हां देखो ए इसके स्पेलिंग ने आ दे सकते हो अबनासी एनु आपकी इस तरह उच्चारण करती पई सी अबनासी ए बब्बे दी सिहारी छड़नी नहीं है अबनासी जेड़ा नाश नहीं होता भाई अबनासी ਐਡਾ ਲਖੋ ਐਡਾ ਪਾ ਕੇ ਡਲਪਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਅਬਨਾਸੀ ਹੈ ਜੋ ਆ ਐਡਾ ਆ ਤਗੇਤਰ ਹੈ ਅਬਨਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਅਬਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਬਨਾਸੀ ਐਡੇ ਨੂੰ ਅਬਨਾਸੀ ਅਬਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਪਾਇਆ ਪਾਇਆ ਪਰ ਐਡਾ ਤੇ ਬੱਬਾ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਪੜਨੇ ਮੰਡਾ ਹੈ ਐਡਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜਨਾ ਅਬੇ ਐਡਾ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਆਪ ਪੜਦੇ ਨਾ ਕਈ ਇਦਾਂ ਪੜਦੇ ਨੇ ਅਬਨਾਸੀ ਇਦਾਂ ਪੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ अबनासी पुरख पाया परमेश्वर बह सोग खंड ब्रह्मंडा है हम गरीब मस्कीन बह सोग खंड ब्रह्मंडा है ब्रह्मंडा ए शब्द बनया ब्रह्म तो ब्रह्मत ब्राह्मण पुणा ब्रह्मत ब्रह्मंड ब्रह्मंडा एनु बहसोब खंड ब्रह्मंडा है ब्रह्मंडा है हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख तेरे शब्द तेरे हम गरीब मस्कीन प्रभु तेरे हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डा है जन नानक हर राख नहीं करना हर इस संबोधन है हे हरि जी सानु रख लो हर राख राख वड वड्डा है। हां जी बोलो हर राख राख वड वड्डा है जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडा है राग नामे नामे नहीं हर नामे बंदा बोला गया हर नाम हरप्रीत कौर जी पढ़ो जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडा है राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा महला महला एक है महला बड़ी आवाज नहीं साफ आ रही इस तरह उच्चारण करेंगे देखो लिखा नजर आ रहा है आप जी नु गगन दीप कौर जी तुम पाठ करोगे आवाज नहीं साफ आ रही हां जी सब नु आ रहा है बोर्ड नजर मोहल्ला लिखा एक वड्डा करके लिखिए इस तरह का उच्चारण है मोहल्ला। हां ठीक है ठीक है चलो अगे गगन कौर जी तुसी करो पाठ अगे
राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा करो बेनती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला एनु करो नहीं कहना करो नहीं करो करो बिंदी सर मैं करता हां एक बेनती करो करो बेनती सुनो मेरे मीता संत टहल की कौन भी आया तन्न करने आ देखो क्रिया है साडे को कर ते उत्तम पुरख वाची जेड़ा पिछेत्र है इस तरह लगा करो कराओ बेनती मैं बेनती करता हां सुनो हो मेरे मीता हे मेरे मन मित्र सुन सुनो हो करो बेनती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला एह खाट चलो हर ला इहा खाट चलो ऐ होर कोई सिंह सेवा कर लो गुरशरण सिंह जी आप करो पाठ गौड़ी पूर्वी महला पंजमा करो बेनती सुन हो मेरे मीता बेनती नहीं कहना आप की सिहारी ला रहे हो तो बेनती नहीं बेनती करो बेनती सुन हो मेरे मीता संत टहल की बेला टहल संत टहल की बेला टहल 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 सारी गुरबाणी जी कितने हाय दी चारी डाल नहीं शब्द ये सारी गुरबाणी जी टहल शब्द आएगा हाँ हाँ मुक्ता ही आएगा टहल टहल की बेला संत टहल की बेला यहाँ काट चलो हर लाहा आगे वसन सुहेला इहां खाट चलो हो चलो नी लले नु होड़ा लाके नी चलना चल हो हर लाहा इहां खाट चलो हर लाहा आगे वसन सुहेला औत कटे दिनस रह नारे मन गुरमिल का सवारे रहा मन मन गुरमिल कठा नहीं है मन संबोधन है मन मन गुरमिल का सवारे रहाओ यह संसार विकार संसे मह त्यो ब्रह्म ज्ञानी यह संसार विकार संसे मह त्यो ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाए जिस ए जगाए पियावे रस अकथ कथा तिन जानी जाको बसेरा निज कर महल पावो सुख सहजे बोर ना होए गो फेरा अंतर जामी पुरख बजाते सरदा मन की पूरे नानक दास एह सुख मांगा मोको कर संत की धूरे वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह बहुत बहुत धन्यवाद सत्कार योग सिंह साहब ज्ञानी जोगिंदर सिंह जी वेदांत जी का ज्ञानी परमिंदर सिंह जी होना का जिन्होंने सोहिला साहब की संथ्या भी संपूर्ण करवा दिती है ज्ञानी परमिंदर सिंह जी होना बारे मैं दसना चाहवागा कि हर रोज PTC सिमरन एक चैनल चलता है उहदे ते गुरबाणी की संथ्या गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की करवा रहे ने सवेर का टाइम इन्हों का 9:30 है शाम को भी 9:30 ही PTC सिमरन से ये चैनल से जिहड़े भारत विच भी रहिंदे ने शायद विदेशों विच मैनू नहीं पता चलता है कि नहीं चलता पर भारत विच जिहड़े भी रहिंदे ने PTC सिमरन ये चैनल चलता है इहदे ते ज्ञानी परमिंदर सिंह जी हर रोज ही गुरबाणी की संथ्या करवा रहे ने सिंह साहब ज्ञानी जोगिंदर सिंह जी वेदांती जी दीआं आसीसां सदका क्योंकि इन्हां कोलों ही इन्होंने सागर दे विच्चों मोती चुगे ने जिहड़े अगे संगतां नूं वंड रहे ने बड़ा आनंद बनिया सी पिछले दिनों तो जिहड़ा आपां लगातार ही नितनेम दीआं पावन बाणियां दी संथ्या कीती भाई गोबिंद सिंह जी लौंगोवाल प्रधान श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी
ਇਸ ਕਤਰ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਬੀਬੀ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਜੋ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 85 ਦੇ ਲਾਗੇ ਸਕੂਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਾਲਜ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 409 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਤਰ ਠੀਕ ਚਲੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਹੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੋ ਖੋਲੋ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸੰਥਿਆ ਲਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਰਹਿਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੋਹਿਲਾ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਅਰਦਾਸ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਸੰਖੇਪ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਆਓ ਜੀ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਾਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਾਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਾਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਹਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਈ ਸਹਾਏ ਅਰਜਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰ ਰਾਏ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ ਜੇ ਡਿੱਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਧਰਨੋ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਦਸਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓੜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰਾਮਤ ਸਦਕਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਤਨੇਮ ਸੰਥਿਆ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸੋਦਰ ਰਹਿਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਅੱਜ ਸੰਥਿਆ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਥਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਣਜਾਣ ਸਮਝ ਕੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਾਪਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਸਪਸ਼ਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮੂਹ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੇਵਾ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜੀ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ
और खास करके लायंस क्लब इंग्लैंड बर्मिंगम तो वीर जिन्होंने सारे प्रोग्राम नूं स्पोंसर किया, इन्होंने लगातार ही इस सेवावां निभाईआं। गुरु साहब जी इस क्लब के उपर भी मेहर भरिया हथ रखना, ते बर्मिंगम दे विच रह के विदेश की धरती ते रह के भी वो पंजाब दीआं जड़ां नूं भुल्ले नहीं। उन्होंने यतन किया कि बच्चों ऑनलाइन जोड़िया जाए, उन्हों का भी असी बहुत बहुत धन्यवाद करते हाँ। ते नाल ही फतेह दी सांझ करते हैं जी। वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आप जी का, जिन्हां दी पूरी टीम ने बड़ी कृपा दे नाल जिहड़े बच्चों के नाल संथिया करवाई गई आ बड़ी मेहनत दे नाल। की सानू भी पता कि गुरबाणी नाल जो बच्चा कोई जुड़ जाए तो फिर सिख इतिहास ना भी जुड़ जूगा, तो गुरु साहब की कृपा तो सिखी रूप च भी रहोगे। गुरबाणी साढ़े को बस यही एक अमोलक चीज आ, जिहड़े जे हर हर बच्चा गुरबाणी नाल जुड़ जाए तो फिर साडा भी काम भी मुक जू कि आप बाणी नाल जुड़ जाइए तो सब कुछ मिल जूगा। तो यही मेरी अरदास है कि जिन्हें भी बच्चे सुनते आ कि प्लीज तुसी अपने अपने घर भी तुसी होर भी जिन्हें भी थोड़े वीर साथी मापे जिन्हें भी नाल हैगे उन्होंने नाल बिठाल के सारे जाने एक फैमिली राय एक जिदा परिवारिक रूप जुड़ के संथिया करो अपने गुरबाणी अपने जरा अपना जर है वो नाल द्वारा प्लीज जुड़ो। यही बेनती है जिन्हें भी मेरे वीर भैन उ बैठे पंजाब च गनी जी आप जी तो दुनिया का तो जिनी भी सारी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। यही साड़ी उम्मीद है कि असली वे अगली समय में भी तुम साढ़े नाल मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के बच्चों नाल प्रेर के तो आप सिखी दे वाल द्वारा उन्होंने फिर लियाया जाए। हम मैं बेनती किया जाता बेनती करते अपना अगला टॉपिक आ जरा बच्चों का जिहड़ा हुण आरती सैशन होगी। वैसे बेनती है कि तुसी मैनूं होस्ट बना सकते हैं प्लीज, जे मैनूं होस्ट मैं एक साडे इंग्लैंड दा वीर भाई इंद्रजीत सिंह ओ ऐसे थैंक यू जी उन्हां नूं मैं बेनती है कि हुण तुहानूं जिहड़े अपने पैनलिस्ट विच तुहानूं ऐड किया जाऊगा। तां हुण बच्चों नूं मैं सवेरे भी बेनती कीती सीगी कि प्लीज तुसी अपना पेन पेंसिल ते पेपर कागज तैयार रखियो क्योंकि जिहड़ा अगला सैशन आ मैं पहला मेरा वीर जिहड़ा इंद्रजीत सिंह नूं मैं इंट्रोड्यूस कर लवा। वीर जी भी अपने इतने इंग्लैंड एक टीचर है कि हम कई साल हो गए वीर जी के नाल साडे नाल सेवा करते हो। आप वीर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि